Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isha. Happy birthday to you. Abhi kuch der pehle hi mile hain. डिवोर्स पेपर्स आपके भेजे हुए. एक पत्नी को अपने पति से इससे शानदार तोहफा और क्या मिल सकता है, वो भी उसके जन्मदिन. तो ये हो रही है तुम्हारी मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, जिसके लिए तुमने मेरे साथ डिनर कैंसिल कर दिया है ना. रिलैक्स. या यहाँ तो पूरा खानदान आया हुआ है. कुसुम का बर्थडे मनाया जा रहा है. हेलो ईशा, सॉरी मैं काफी लेट हो चुका हूँ. मेरी मीटिंग भी अभी तक खत्म नहीं हुई है. डू वन थिंग, तुम भी यहीं आ जाओ, हम यहीं डिनर ऑर्डर कर लेंगे. अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर खा लूंगी. आई हैव गॉट कंपनी. थैंक्स एनीवे, बाय. Thank you so much. The treat's on me, okay? आपका पैर का दर्द कैसा है? अच्छा है, वो बस एक उंगली में थोड़ा दर्द ज्यादा है. दवाई ली आपने? नहीं, वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया था वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो मैं दवाई मंगवा नहीं पाया हूँ. सुबह चला जाऊंगा डॉक्टर के पास. जीजू एक मिनट. हाँ जीजू, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तो मेरे पास पड़ा है, इसका मतलब आपने दिन में दवाई नहीं ली. कोई बात नहीं सोनाली, हल्का सा दर्द ही तो है. और कल सुबह जब तुम घर पर आओगी तब वो प्रिस्क्रिप्शन साथ में लेकर आना. लेकिन जीजू, अगर रात को दर्द हुआ तो आप सो नहीं पाएंगे ना. सोनाली डोंट वरी, यहाँ घर पे कोई ना कोई मलहम या क्रीम कुछ ना कुछ मिल जाएगा. नहीं नहीं जीजू, मैं अभी मेडिकल स्टोर से आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ. देखो सोनाली, सोनाली तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? It's almost midnight यार. तुम अब मेडिकल स्टोर जाके दवाई लेकर यहाँ पर आओगी. हेलो गॉड, इतनी रात को कौन हो सकता है? वो सोमनाथ कहाँ चला गया? उसको समझ में नहीं आता उसे दरवाजा खोलना चाहिए. घर में सब कुछ मुझे करना पड़ता है. सोनाली? हाँ, वो एक्चुअली जीजू का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास रह गया था, इसीलिए वो दवाई नहीं ले पाए. मैं उनके लिए दवाइयाँ लाई. तुम्हें पता है वक्त क्या हो रहा है? रात का 1 बज रहा है इस वक्त तुम अकेले यहाँ पर. हाँ, लेकिन जीजू को बहुत पेन हो रहा था इसीलिए. तुम यहाँ पर? जीजू ये लीजिए आपकी दवाई, वो हमारे घर के सामने जो डे नाइट मेडिकल है वहीं से लेकर आए. लीजिए. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये कोई वक्त है यहाँ आने का? अकेली वो भी चली आई हो या दवाई देने के लिए आई हो? मैं क्या करती, आप ही ने तो कहा था ना फोन पर कि आपको बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया. चलिए खा लीजिए अभी. तुम जाओ, मैं खा लूंगा दवाई. नहीं, आपको मेरे सामने नहीं है. ठीक है. अच्छा सुनो, बहुत देर हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. चलो
जीजू आप इस हालत में मुझे छोड़ने आएंगे और फिर मुझे वापस आपको छोड़ने आना पड़ेगा? पूरी रात ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इससे अच्छा ये है कि मैं अपने आप चली जाऊं। ठीक है, ठीक है, बाय जीजू। गुड नाइट। आओ कुसुम दीदी, ये देखो अभी पगली सी छोटी सी बहन इस वक्त मुझे दवाई देने आई है। विशाल ये है ही पागल। तुम्हें पता है एक बार मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैंने इसे तेल मालिश करने के लिए कहा, मुझे आराम मिला और मैं अपना सर इसके पैरों में रख के सो गई, और ये इतनी पागल है कि बिल्कुल उसी पोजीशन में पूरी रात ऐसी ही बैठी रही, बिल्कुल नहीं हिली, है ना पागल? लेकिन इस वक्त दवाई लेकर आना। जाने दो। चलो सोनाली, मैं आप ऐसे कहती तुम्हें छोड़ दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय जीजू। गुड नाइट। बाय। Good morning. भाभी, विशाल का एक्सीडेंट हुआ क्या? एक्सीडेंट? Of course not. मामूली सी चोट आई है पैर में, वो भी जॉगिंग करते वक्त स्लिप हो गया था इसलिए। हाँ, कुछ लोगों ने खींच तान के पूरी बात को एक्सीडेंट बना दिया था। सुनाली ने तो हद ही कर दी, कल रात के 1 बजे अपने जीजू के लिए दवाई लेकर यहाँ चली आई। हाउ स्वीट। लगता है सुनाली को आपसे ज्यादा फिक्र है विशु की। क्या लगी वो विशु की? एक्स वाइफ की सगी बहन, राइट? चाची, सुनाली बिल्कुल ऐसी नहीं है। एक्चुअली वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। विशाल के इस एक्सीडेंट के लिए वो अपने आप को दोषी ठहरा रही है। उसकी आदत है चाची, जब भी उसकी वजह से कोई बीमार हो जाता है तो वो सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेती है, और वो ये मानती है कि दवाई हर बीमारी का इलाज है। ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि अच्छा होने के लिए थोड़ा वक्त भी लगता है। एनीवेज, विशाल ने चाय पी? नहीं, सो रहा है अब। मैं देख के आती हूँ। गॉड, ये देशमुख परिवार के लोग इतने इमोशनल क्यों हैं? और मैडम ने तो लेक्चर झाड़ दिया अपनी छोटी बहन की सफाई में। I don't understand these people. बैंक से मेरी बात हो गई है भाई साहब, अगर वो फ्लाईओवर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कपिल का फोन आया था, टेंडर्स खुल गए लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला। क्या? कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट अजय माल्या के नाम पर है। Yes. But that's impossible. माल्या ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रही है। वो लोग फाइनेंस कैसे मैनेज कर पाएंगे? इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके लिए हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों लाली, ऐसा नहीं हो सकता कि अजय माल्या की दोस्ती किसी बड़े बैंक की चेयरपर्सन से हो तुम्हारी तरह? नहीं नहीं, इसका मतलब है माल्या ने टेंडर में हमसे बहुत कम फिगर्स भरे हैं। फिगर का डिफरेंस अभी तक पता नहीं चला, पर जब उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो हो सकता है उसने हमसे ज्यादा अच्छा ऑफर दिया होगा। पर डैडी जी, हमसे अच्छा ऑफर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अजय माल्या इतना डेस्परेट हो गया कि वो किसी भी कीमत पर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता था। So what if I am on effort? It's not the end of the world. I will be both ending. They can stop preparing. Sorry. आज मैं कितना खुश हूँ इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें ईशा। क्यों? तुम्हें तो पता था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलने वाला है। Cheers. तो फिर इतने सरप्राइज क्यों? पता तो था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ में रखा निवाला मुंह तक पहुंचने के पहले छिन जाता है, अगर किस्मत का साथ न होता। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे साथ हो तो किस्मत भी मेरे साथ। अभी तो ये शुरुआत है, आगे के भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेंगे। क्या हुआ, तुम ज्यादा खुश नहीं लग रही हो? ऐसी बात नहीं ईशा, इन टुडेज टाइम इन जस्टिफाइज द मीन्स, कामयाबी को चूमते हैं लोग। कोई ये नहीं देखता कि कामयाबी मिली कैसे है, सिर्फ कामयाबी की तारीफ की जाती है।
I'm sorry. It's the last time. It's more important meeting to discuss this year. Anyway, ये occasion क्या था जिसके लिए तुमने मुझे invite किया था? कोई occasion नहीं, बस यूँ ही. Come on, tell me. मेरा birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isha. Happy birthday to you. Happy belated birthday. Thank you. अब तो celebrate करने का एक और मौका, एक और बहाना. Finish it. No thanks. मुझे बहकना नहीं. Just have a good day. All right. मैं बहक जाता हूँ. जीजू, अगर आप ज्योति दीदी को फोन ट्राई कर रहे हैं, तो मत पूछिएगा, क्योंकि दीदी मुंबई में नहीं है, दिल्ली गई है. एक आप है जो उनके लिए इतने परेशान हो जाते हैं और एक वो चुपचाप चली गई, किसी को बताना मुनासिब भी नहीं समझा उन्होंने. तुम्हें कैसे पता चला कि वो दिल्ली गई? मैं अभी जिमी के ऑफिस से ही आ गई, वहीं से पता चला है कि वो दोनों दिल्ली गए. कब तक लौटेंगे? पता नहीं, लेकिन एक बात कहूँ जीजू, बुरा मत मानिएगा, जब ज्योति दीदी को आपकी कोई परवाह नहीं तो क्यों आप उनके लिए दुखी होते हैं? हमने बहुत कोशिश कर ली है जीजू, मैं ज्योति दीदी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जीजू, अगर उनके मन में कोई बात बैठ जाती है तो बहुत आसानी से नहीं निकलती, इसीलिए मैं कह रही हूँ जीजू कि आप भी ये जिद छोड़ दीजिए. वैसे लंच किया है आपने? पता था, पता क्या, यकीन ही था. चले जीजू, चलिए ना, प्लीज लंच करके आते हैं, पेट में बहुत जोरों से बिल्लियां दौड़ रही है. बिल्लियां? चूहे दौड़ सकते तो बिल्लियां क्यों नहीं. चलिए ना जीजू, प्लीज, बहुत जोरों की भूख लगी है. अच्छा ये बताओ, मीठा क्या खाया? सर ड्राइवर कह रहा था कि आम का रस था, पर वो घर पर ही भूला है. कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आम पास में से सबके लिए मैंगो जूस. अब है तुम कुसुम के लिए मंगवा लो, हम दोनों तो नहीं पियेंगे. क्यों? इनके लिए भी ले आइए, जाइए. निकिता, मीठा खाना पीना शुरू कर दोगी तो हो सकता है शायद मीठा बोलना भी शुरू कर दो. वैसे लाली, अभय को आम बचपन से पसंद है. Really? मुझे बचपन से और मेरे होने वाले बच्चे को अभी से. बहुत आम खाती हो. Come on, Kapil, join us. Kapil, कुछ पता चला? टेंडर की फिगर्स में एग्जैक्टली डिफरेंस कितना था? Yeah, we lost the tender by 3 rupees 50 paise. सिर्फ 3 रुपया 50 पैसे की वजह से टेंडर गए. What? सिर्फ 3 रुपया 50 पैसे? इतना कम डिफरेंस? इसका मतलब है टेंडर के फिगर्स लीक हुए थे. कौन हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड, किसका काम हो सकता है? अबे सर, चलिए आप. किसने भेजा है? ईशान, कल आपके दिन है. ईशान के बारे में सोचिए. हमारा टेंडर फिगर कैसे लीक हो गया? जरूर अच्छे माली को किसी ने हमारे टेंडर फिगर बताया होगा, वरना इतना बड़ा इंतफाक हो ही नहीं सकता. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. सिर्फ 3 रुपए 50 पैसे का डिफरेंस, पर ये हुआ तो हुआ कैसे? कसम, जिंदगी में तो इतफाक होता है, शायद ये महज एक इतफाकी हो. उसकी कॉस्टिंग की स्टाइल हमारी कॉस्टिंग स्टाइल से काफी मैच करती थी, और जिस तरह अजय माल्या इस प्रोजेक्ट से ऑब्सेस था, हो सकता है कि उसने भी कॉस्टिंग हमारी तरह की. एक प्रोजेक्ट ना मिलने से इतना परेशानी होती. अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए. Let's go for the next.
पर इस तरह परेशान होना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही मेरे होने वाले बच्चे के लिए। ओके, ये लो, अब तुम इसे पियो। लीजिए मैडम। अब मैं पी लूंगी, आपको याद है ना आज आपको पेट्रोकेमिकल के प्लांट पे जाना है? याद, अच्छा लगा। पहले प्लीज। नो निकिता, दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। हो ना हो 100% इसमें किसी ना किसी का हाथ जरूर। आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम अगर सारे फैक्ट्स को एनालाइज करोगी तो तुम्हें भी यही लगेगा। ईशा का लंदन से वापस आना और अजय माल्या के साथ ही काम करना। हाँ भाभी, ईशा का इतना बदल जाना, हमारे ऑफिस आना, कुसुम का टेंडर भरने के दिन ही किसी आदमी से मिलना, उससे पैसे लेना और उसे एक फाइल देना, और मीटिंग की जगह कुसुम और अजय माल्या का लिफ्ट से साथ में बाहर। भाभी, अभय का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर कुछ ज्यादा रिएक्ट ना करना। भाभी, हो ना हो मुझे तो ईशा पर शक हो। नहीं गिदा, मुझे कुसुम पे डाउट है। अगर इस टेंडर के एग्जैक्ट फिगर्स किसी को पता थे तो वो थे अभय, कुसुम, कपिल भाई साहब, नितिन भाई साहब और लाली। इन पांच लोगों में से अभय और कुसुम ही हो सकते हैं। लेकिन लेकिन अभय ऐसा क्यों करेगा भाभी? उसकी खुद की कंपनी है, वो अपनी कंपनी का नुकसान क्यों करेगा? वो अपने पुराने प्यार को कुछ दे नहीं सका ना, शायद इसलिए कॉम्पेंसेट कर रहा है। गीता, तुमने देखा नहीं, ईशा ने अभय को थैंक यू कार्ड भी भेजा। नहीं भाभी, अगर इन पांच लोगों से कोई है तो वो कुसुम है। गीता, जो भी होता है अच्छा होता है। अच्छा हुआ हमें इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, वरना खामखा हम पे शक करते। ये लोग शक तो ये किसी पे कर ही नहीं रहे। इस पूरे केस को महज एक इत्तेफाक था। अगर किसी को शक हो रहा है तो वो आप और मैं हूँ, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। मुझे अपना काम आज से ही शुरू करना होगा। कितने पैसे हैं? हाँ मैं अकेली हूँ, मुझे ही आना होगा। ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ? ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, बाय। ही टेंडर खुला और कॉन्ट्रैक्ट अजय माल्या को मिल गया, वो भी इसलिए क्योंकि उसके पास हमारे टेंडर के एग्जैक्ट फिगर्स थे। और कुसुम पैसे लेने जा रही है, कहाँ और कौन दे रहा है उसे पैसे?